हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है लाइफ टेलीकास्ट। इसमें आपको टोटल 7 एपिसोड्स देखने मिलेंगे जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 29 मिनट से लेके 40 मिनट्स के बीच में ये, और ये आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा, मराठी, बंगाली, सारी की सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। सो सवाल ये है कि क्या ये शो इतना डिजर्व भी करता है। अब बात करेंगे शो के प्लॉट की, तो कहानी फोकस करती है जेनिफर मैथ्यू पे। ये एक पैरानॉर्मल शो की डायरेक्टर है और ये अपने क्रू मेंबर्स के साथ डार्क टेल नामक शो नमो टीवी पर प्रेजेंट करती है। अब इस शो में आपको फैक्ट कम फिक्शनल हॉरर कवरेज देखने को मिलेगी जो ऑडियंस को बहुत पसंद आती है, और ये शो टीआरपी में एक नंबर पे है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब इस पर्टिकुलर शो की जगह पर एक फैमिली शो ऑन एयर होने लगता है और वो शो को ऑडियंस ज़्यादा पसंद करती है इसके बदले, और इसकी टीआरपी धीरे धीरे घटने लगती है। तो जो नमो टीवी वाले होते हैं वो इस पैरानॉर्मल शो को टर्मिनेट कर देते हैं। अब इसके बाद जेनिफर मैथ्यू अपने क्रू मेंबर्स के साथ क्या नया आइडिया लेकर आती है, कैसे आपकी दिमाग की पूरी तरह से बजा डालती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर शो। चला बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि अच्छा है इन अ सेंस, अगर ये शो 2005 या अर्ली 2000 में रिलीज़ होता तो, लेकिन 2021 में इस तरीके का कॉन्सेप्ट नॉट एक्सेप्टेबल। और जिस तरह से उन लोगों ने इस पूरे शो को एग्जीक्यूट किया है ना भाई, 7 एपिसोड है, और सीरियसली ये शो मैक्स टू मैक्स 4 एपिसोड का होना चाहिए था। बाकी के जो 3 एपिसोड है उसमें अननेसेसरी के सीन्स डाले गए, फालतू की चीज़ों को ड्रैग किया जा रहा है, और फर्स्ट एपिसोड तो इतना वर्स्ट है जहाँ पर जितने भी जो क्रू मेंबर्स हैं, मैं कैमरामैन हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं AD हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं धमाको, अरे किसको पढ़िए भाई। स्टार्टिंग के आधा घंटा तुम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन में वेस्ट कर दिया जहाँ पर वो किसको देखना है, अरे मेन कहानी पे। और मेन कहानी का बात ये episode 3 में, और episode 3 पहुँचने तक आपको 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है। क्या इंडियन ऑडियंस इतना पेशेंस रखेगी? इंडियन क्या, वर्ल्ड में कोई भी ऑडियंस इतना पेशेंस नहीं रखेगी भाई। शो में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एक सिंगल कैरेक्टर भी ऐसा नहीं है जिससे आप लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, या चलो इमोशनल तो छोड़ो, एक होता है ना कोई कैरेक्टर को हम लोग देखो तो यार वो बहुत फनी लगता है, हमको बहुत हंसी आती है, हमको ऐसा लगता है क्या ये कैरेक्टर की एंट्री दोबारा स्क्रीन पर हो जाए ताकि थोड़ा मजा आए, लेकिन कोई भी कैरेक्टर आपको दिल को नहीं छूता है। उसके अलावा शो की सिनेमाटोग्राफी की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर जो VFX था सबसे पहले, वो VFX हमने आहट इश्कोई है या समझ लो आज से 15 साल पहले जब टेलीविजन पे कोई पैरानॉर्मल शोज आते थे ना वो लोगों को डराने के लिए, तो उसमें जो VFX होते थे ना बस उसी लेवल के VFX यहाँ पर देखने को मिले, तो नथिंग न्यू। और मुझे लगता है कि क्या ज़रूरत थी मेक डायरेक्टर को ये शो अब बनाने की, डजेंट मेक सेंस। उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में एक चीज़ बोलूँ कि यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ स्टोरीज बताई लड़कियों से रिलेटेड, तो एक स्टोरी में तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बी ग्रेड की मूवी देख रहा हूँ जहाँ पर एक लड़की शावर कर रही है, बेड पे लेट रही है, कपड़ा धीरे धीरे उतर रहा है, मतलब वो समझ में नहीं आता कि वहाँ पर डायरेक्टर प्रूफ क्या करना चाह रहा था। मुझे तो सीरियसली लगा कि अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो भूत है वो इस लड़की का रेप भी कर देगा, और इनफैक्ट वो रेप वाला ही सीन था मगर थोड़ा सा वहाँ पर सेंसरशिप कर दिया लोगों ने। ऐसा लग रहा था कि बस वो आपने हवा पिक्चर देखी तब्बू की, बस बिल्कुल वो पर्टिकुलर स्टोरी वो मूवी से पूरी इंस्पायर है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लाइटिंग का यूज़ उन्होंने अच्छी तरह से किया है, डेफिनेटली नो डाउट। और अगर BGM की बात करूँ तो यार पूरे शो का BGM मुझे वाहियत लगा, एक्सेप्ट क्लाइमैक्स में जो एक इमोशनल BGM सुनने को मिला लास्ट के 14 मिनट, और वहाँ पर एहसास होता है कि यार हाँ हम लोग एक साउथ का शो देख रहे हैं, और वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक में जो एक साउथ का जो एक मिठास थी, जो एक आप सुनते वर आपके आँखों से आंसू आ जाए, यू विल फॉल इन लव, वो BGM आपको लास्ट के 14 मिनट सुनने मिलते हैं, और वो इस पूरे शो का सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे। उसके बाद शो में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1-2 एक्टर को छोड़कर बाकी सब लोगों ने ओवर एक्टिंग की है भाई। हमको एक्टिंग नहीं आती है, लेकिन जो एक्टिंग कर रहा था वो एटलीस्ट इतनी अच्छी तरह से करे कि हम भी बोले कि हाँ यार वाकई में ये लोग मेहनत की खाते, क्योंकि एक्टिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस शो में देखो तो सब लोग ने जम के एक से बढ़कर एक ओवर एक्टिंग की है, सिर्फ 1-2 एक्टर को छोड़ के, वो भी पर्टिकुलर सीन में उन लोगों ने अच्छा एक्ट किया है, बाकी सब लोगों ने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस किया है। एडिटिंग बहुत ही वाहियात है यार, हर एक एपिसोड को क्यों रबड़ की तरह खींच रहे हो, क्या ज़रूरत थी। और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी सीन्स है जो आप अपनी फैमिली के साथ देख नहीं सकते, हालांकि कुछ ऐसे गंदे सीन नहीं है मगर फिर भी वो एक ब्लरनेस डाल दिया है वहाँ पर, जैसे कि एक लड़का लड़की कार में बैठे हो
करने जा रहे होते तब, तो वहाँ पर थोड़ा ब्लर कर दिया, फिर वो एक लड़की का शावर वाला सीन जहाँ पर कपड़े अपने आप उतरते हो पूरा दिखता है। तो मतलब वो कुछ सीन्स है जो आप लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, अदरवाइज इसमें ऐसी कुछ भी सीन्स मुझे पर्टिकुलर नज़र नहीं आया जो अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो ये आप लोग खुद डिसाइड कर लेना। और शो को मैं रेटिंग दूंगा यार 4 out of 10 यार। अगर आप लोग अर्ली 2000 के वो पैरानॉर्मल शोज जो टेलीविजन्स पर आते थे वो देखना पसंद करते हो तो ये शो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप अब कुछ यूनिक नयापन देखना चाहते हो जो मतलब फास्ट पेस्ड हो और कुछ नया देखना चाहते हो तो ये शो आप लोग के लिए डेफिनेटली नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग को इस शो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि जब देख ही लिया पूरे के पूरे एपिसोड्स तो यार उसमें आंसर देने में प्रॉब्लम कोई नहीं है। इस एंडिंग सोचकर आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन मैं एंडिंग देखकर एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि इसका सीक्वल ना बनाए तो बेटर है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी और सबके लिए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन